आप सभी को मेरा नमस्कार। राघवेंद्रा ई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैलकुलेशन स्किल्स पे हम एक लेक्चर कर चुके हैं, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस लेक्चर को देख लीजिए। अभी शुरू करते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वेयर कैसे निकालते हैं। स्क्वेयर निकालने के लिए मैं अभी आपको जो तरीका सिखाऊं उसको ध्यान से सीखिए। आपको कहीं भी कोई भी डाउट आए उसको कमेंट सेक्शन में डालिए, हमें बताइए। शुरू करते हैं। देखो, हमने आपको बोला कि 102 का आपको बताना है कि स्क्वेयर कैसे निकालते हैं। स्क्वेयर मतलब 102 की गुना 102 से ही करनी है। मतलब 102 कितने बार? 102 बार। अब देखो, हमने बेस लिया 2। 2 का स्क्वेयर हर किसी को पता है कितना होता है? 4। लेकिन 4 नहीं लिखेंगे हम, कितना लिखेंगे? 04। क्यों? क्योंकि बेस क्या लिया हमने? 100 की में कितनी जीरो होती है? 2। तो हमने बेस लिया है 100, तो यहां पे क्या लिखेंगे? 04। अब 102 में क्या जोड़ देंगे? 2। तो 102 में हमने जोड़ा 2, तो कितना बन जाएगा? 104। तो 102 का स्क्वेयर क्या बना? 104 04। कोई और नंबर लेते हैं। हमने नंबर लिया 108। 108 का स्क्वेयर बताना है। 8 का स्क्वेयर कितना होता है? 64 64। 108 में कितना जोड़ देंगे? 8। ये कितना हो जाएगा? 116। तो 108 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा? 116 64। और कोई नंबर ले लेते हैं। मान लो हमने लिया 94 का स्क्वेयर बताना है। 94 100 से कितना कम है? 94 100 से कम है 6 का स्क्वेयर कितना होता है? 36। अब ये 100 से कम है क्योंकि बेस हमने 100 लिया है, तो अब 94 में से 6 घटाएंगे, माइनस करेंगे। 94 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 88। तो 94 का स्क्वेयर क्या हो जाएगा? 8836 88 36। और कोई नंबर ले लेते हैं। मान लें हमने ले लिया 112। 112 का स्क्वेयर निकालना। 112 100 से कितना ज्यादा है? 12 का स्क्वेयर क्या होता है? 144। अब हमने जो कल किए थे कि 25 तक के या 30 तक के स्क्वेयर हमें याद होने ही होने चाहिए, अब उन सब की जरूरत पड़ेगी। 12 का स्क्वेयर कितना होता है? 144। 144 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 44 लिखेंगे। 1 को यहां लिख देंगे। सिर्फ 44 क्यों लिखा? क्योंकि बेस क्या लिया हमने? 100 100। अब 112 में कितना जोड़ देंगे? 12। 112 में 12 124 और 1 124 में क्या जोड़ देंगे? 1। तो ये क्या बन जाएगा आपका? 125। यहां तक किसी को जो भी डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में डालिए। कुछ और क्वेश्चंस हम करते हैं। देखो, जैसे हमने नंबर लिया 86 का हमें बताना कि स्क्वेयर क्या होगा। 86 100 से कितना कम है? 14 का स्क्वेयर कितना होता है? 196। 96 हमने लिया यहां पे, 1 ले लिया हमने नीचे। अब 86 में से 86 में से क्या घटाएंगे? 14। कितना आ जाएगा? 72। और 72 प्लस 1 73। तो 86 का स्क्वेयर कितना आया? 73 96। 7396। और कोई नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने नंबर लिया 97 का हमें बताना स्क्वेयर। 97 का स्क्वेयर बताना है, तो 97 100 से कितना कम है? 3। 3 का स्क्वेयर क्या होता है? 09 09 लिखा है, ध्यान रखना। अब 97 में से 3 घटा दो, कितना आया? 9409। बहुत ही ज्यादा आसान है। आप एकदम से किसी भी नंबर का स्क्वेयर बता सकते हैं। अगर आपको एक बार 30 तक या 25 तक आपने याद कर लिए तो आप एकदम से किसी भी नंबर का स्क्वेयर बता सकते हैं। हमने नंबर लिया 92। 92 का स्क्वेयर बताना है। 100 से कितना कम है? 8। 8 का स्क्वेयर क्या होता है? 64। तो हमने लिख लिया 64। अब 92 में से 8 घटाएंगे क्योंकि 100 से कम है, तो 92 में से जैसे ही हमने 8 घटाया तो कितना आया? 84। तो 92 का स्क्वेयर कितना है? 84 64। आगे चलते हैं। ये तो बात रही बेस 100 है, बेस 100 है, तो ये तो बात होगी हमें समझ में आ गई कि बेस 100 है तो कैसे करेंगे। एक दो और ले लेते हैं बेस 100 का। जैसे हमने लिया 109 का स्क्वेयर। 9 का स्क्वेयर कितना होता है? 81। और 109 में क्या जोड़ देंगे? 9। तो क्या हो जाएगा? 118 81। तो 109 का स्क्वेयर क्या बना? 118 81। कोई और नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने नंबर लिया 83
83 का स्क्वायर कितना कम है 100 से 17, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, तो 89 तो लिखा हमने यहाँ पे और 2 लिखा यहाँ पे। अब 100 से कम है, 100 से कम में घटाएंगे और 100 से ज्यादा होगा तो जोड़ देंगे। अब 100 से कम है तो 83 में से 17 घटा दिया हमने, 83 में से। अब देखो अगर आपको ये घटाना होता 80 में से 20 घटाना होता तो आप बता देते 60। अब मैंने कहा कि 83 में से 17 घटाओ, तो एक तो तरीका है कि 13 में से 7 गए 6, यहां से एक गया 6, 7 में से एक गया 6, एक तो ये तरीका है 66। दूसरे एक मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया भी था कि आप एडिशन सब्ट्रैक्शन फास्ट वे में कैसे कर सकते हैं, तो वो लेक्चर भी एक बार जरूर देखिए। अच्छा ये कितना बना 66 में क्या जोड़ देंगे, तो 83 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 68, 89। कोई और नंबर ले लेते हैं, दूसरा नंबर हमने लिया 96 को चेक कर लेते हैं एक बार। 96 100 से कितना कम है 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, हमने लिख दिया 16। अब 96 में से 4 घटाएंगे क्योंकि 100 से कम है, और 96 में से जैसे ही हमने 4 घटाया कितना आया 92, तो 96 का स्क्वायर क्या होता है 92, 16। कोई और नंबर लेते हैं, एक नंबर और ले लेते हैं, जैसे कि हमने लिया वह 114 का स्क्वायर। अब 100 से ज्यादा है ध्यान रखना जुड़ेगा, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, और 114 में क्या जोड़ देंगे 14, 128। अब 128 में ये एक भी जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 129, 96, तो 114 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 129, 96। तो ये तो बात रही कि बेस अगर 100 का है, अब ऐसा तो नहीं है कि आपसे सवाल सिर्फ वही आएगा जिसका बेस 100 है, कुछ और भी बन सकता है, तो उनको भी ट्राई करते हैं। अब इनके साथ साथ ये देखते हैं जिसके भी डिजिट के पीछे 5 है उसका स्क्वायर क्या होता है, जैसे आप सबको पता है कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, यहां तक आप सबको याद है। 35 का स्क्वायर कितना होता है 1225, 45 का स्क्वायर क्या होता है 2025, 55 का स्क्वायर क्या होता है 3025। अब ये कितने भी हो आगे आसानी से बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, देखो जिस भी डिजिट के पीछे 5 है तो 5 का स्क्वायर आप एज इट इज लिखेंगे 25, एक से अगला नंबर क्या होता है 2, तो 1 × 2 तो आपने लिख दिया 2, तो 15 का स्क्वायर क्या बना 225। 25 के स्क्वायर की बात करते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और 2 से अगला नंबर 3, 2 × 6 = 6, तो आपने लिखा 625। 35 के स्क्वायर की बात करते हैं फिर से वही बात आएगी, 5 का स्क्वायर 25 और 3 से अगला नंबर क्या होगा 4, 3 × 12, तो 35 का स्क्वायर क्या बना 1225। 45 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 4 से अगला नंबर क्या है 5, 4 × 5 = 20, उन दोनों की क्या कर देंगे गुना। अब हम आए 55 पे, 55 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 5 से अगला नंबर 6, 5 × 6 = 30। बात करते हैं 65 के स्क्वायर की, 5 का स्क्वायर वही 25, 6 × 7 = 42। तो 5 का जिसके डिजिट जिसके पीछे लास्ट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर निकालना आपके लिए बहुत आसान है। जैसे हमने पूछा कि 105 का क्या होगा, 105 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपको पता है कि 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 10 से अगला नंबर क्या है 11, 10 × 11 कितना होता है 110, तो 105 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 110, 25। 95 का स्क्वायर की बात करते हैं कि 95 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 9 से अगला नंबर 10, 9 × 10 = 90, तो 95 का स्क्वायर कितना आया 9085। 75 का स्क्वायर क्या होगा 7 × 8 = 56, 56 = 25, आप एकदम से बोल सकते हैं। 85 के स्क्वायर की अगर बात करें तो आपको पता है 8 × 72, 8 से अगला नंबर 9, 8 × 72, 72 = 25, तो 85 का स्क्वायर क्या आया 72, 25। तो जिस भी डिजिट के पीछे अगर 5 है जिस भी नंबर के पीछे तो उसको कैसे निकालते हैं वो तरीका मैंने अभी आपको बताया, इसको करके देखना, इस पे प्रैक्टिस करना, आप एकदम से बता सकते हैं किसी का भी। अच्छा जी अब बात करते हैं कि
50 के आसपास कोई नंबर है। 100 बेस लेके हमने किया, अब 50 को करते हैं तो क्या 50 में कैसे करेंगे? अब 50 में भी बेस 100 ही रखेंगे। जैसे मैंने आपसे पूछा कि मुझे स्क्वायर बताओ 48 का, जो कि आपको पता भी होगा 48 50 से कितना कम है? 2। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। मैं 4 नहीं लिखूंगा, 04 लिखूंगा। कारण क्या है? क्योंकि बेस मैंने यहां पे भी 100 ही लिया है। अब ये 50 से कम है तो 48 में से 2 घटा देंगे, तो 48 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 46। लेकिन मैं 4604 नहीं लिखूंगा। कारण क्या है? क्योंकि बेस 100 लिया मैंने और यहां पे क्या है, ये 50 है, तो 150 जो है वो 100 का कितना है? हाफ। तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा? हाफ। तो मेरा जवाब क्या आएगा? 2304। तो 48 का स्क्वायर कितना आया? 2304। दूसरा नंबर लेते हैं कोई, हमने लिया 42 का स्क्वायर। 50 से कितना कम है? 8। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। अब 42 में से 8 घटाना पड़ेगा क्योंकि 50 से कम है। जैसे ही 42 में से 8 घटाया तो कितना आया? 34। अब 34 नहीं लिखूंगा मैं, 34 का क्या लिखूंगा? हाफ। तो 34 का हाफ क्या हो जाएगा? 1764। तो 42 का स्क्वायर कितना आया? 1764। कुछ और चेक कर लेते हैं। एक बार अगर ये चीजें आपको समझ में आ जाए तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब हमने लिया 56 का स्क्वायर। देखो 56 जो है 50 से कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है। एक बार समझ में आएगा तो आप ये चीजें नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट जवाब बताएंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। और 56, अब 50 से ज्यादा है तो 56 में 6 जोड़ेंगे। जैसे ही आपने 56 में 6 जोड़ा तो कितना है? 62। 62। अब 62 का क्या करना पड़ेगा? हाफ, क्योंकि 50 है और 50 100 का क्या है? हाफ। तो यहां पे क्या आया? 62 का हाफ कितना होता है? 31। तो 56 का स्क्वायर कितना आया? 31। 36। कुछ चीजें मैं सिर्फ और सिर्फ बोल रहा हूं, यहां बोर्ड पे सारी चीजें नहीं लिख रहा, तो वो आपको दिमाग में चलानी है, प्रैक्टिस करना है। जहीं कहीं पे भी कोई भी डाउट आए कमेंट सेक्शन में डालो, हमें बताओ कि कहां पे आपको डाउट लगा, कौन सी चीज समझ में नहीं आई। अगर समझ आई तो वो भी हमें बताओ। दूसरा नंबर लेते हैं, हमने नंबर लिया 58 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? देखो अब बार बार नई चीजें लिख रहे। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। और 58 में क्या जोड़ेंगे? 8, क्योंकि 50 से ज्यादा है। जैसे ही 58 में 8 जोड़ा तो कितना है? 66। 66। और 66 का हाफ कितना होता है? 33। तो हमने लिख दिया 33 64। इसको आप ना मुंह जुबानी बता सकते हैं, बिना कॉपी पेन के बता सकते हैं। मैं आपसे पूछूं 53 का स्क्वायर क्या होता है, तो एक बार अपने दिमाग में सोचिए कि क्या जवाब होगा। 10-15 सेकंड के लिए मैं रुकता हूं, तब तक आप अपने दिमाग में सोचिए कि 53 का स्क्वायर क्या होता है। आप सभी को पता है 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। हमने लिखा 09। और 53 में क्या जोड़ा? 3। 53 और 3 56। अब 56 का हाफ करना पड़ेगा क्योंकि 50 क्या है? 100 का हाफ। तो 56 का हाफ क्या हो जाएगा? 56 का 28। तो हमने लिखा 28। तो 53 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 2809। और कुछ पूछ लेते हैं आपसे, 38 का स्क्वायर बताओ। अब 38 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर 50 से कितना कम है? ये 12। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। तो आपने लिखा 44 और एक लिखा यहां पे। अब 38 में से 12 घटाना पड़ेगा, 38 में से 12 घटाना पड़ेगा क्योंकि 50 से क्या है? ये कम। जैसे ही आपने 38 में से 12 घटाया कितना आया? 26। और 26 का आप क्या होता है? 13। अब 13 में क्या जोड़ देंगे? 1। 1444। ये बात आपको समझने की है, 38 में से 12 घटाया 26 आया। 38 में से 12 घटाने के बाद 26 आया, पहले हाफ करेंगे, हाफ करने के बाद जो ये हासिल था तब उसको जोड़ेंगे। पहले हाफ करेंगे उसके बाद एक हासिल है, दो है, तब उसके बाद जोड़ेंगे। एक और ले लेते हैं, जैसे हमने लिया 37, आपको बताना है 37 का होल स्क्वायर बताना है। आपको नहीं पता तो 37 50 से कितना कम है? 13 कम है। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। तो आपने लिखा 169, एक हमने नीचे हासिल में लिख लिया। अब 37 में से 13 घटाएंगे, पहले
पहले 37 में से 13 घटाएंगे, 37 में से 13 गया 24, अब 24 का पहले क्या करेंगे हाफ, क्योंकि 50 100 का हाफ होता है, तो 24 का हाफ किया तो कितना आया 12, और 12 में ये क्या कर देंगे, सॉरी 37 में से क्या करेंगे, सबसे पहले 13 घटाएंगे, 13 घटाए तो कितना आया 24, 24 का हाफ किया 12, 12 में क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो क्या आएगा 1369। अच्छा जी आगे बात करते हैं, और कोई नंबर ले लेते हैं, हमने नंबर लिया 64 का स्क्वायर। अच्छा 64 का स्क्वायर आपने लिया, 50 से कितना ज्यादा है 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। अब आपको स्क्वायर याद होने ही होने चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट है वो, कम से कम 25 तक करो काम चल जाएगा। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, तो आपने लिखा 96, एक लिख दिया नीचे। अच्छा अब 50 से ज्यादा है तो 64 में 14 जोड़ना पड़ेगा, जैसे ही आपने 64 में 14 जोड़ा तो कितना आया 78, 78, तो 78 में एक क्या करेंगे पहले 78 का हाफ करेंगे, ये याद रखना आपको, डायरेक्ट 78 में एक जोड़ के फिर हाफ नहीं करेंगे, पहले 78 का हाफ करेंगे फिर एक जोड़ेंगे, तो 78 का हाफ कितना होता है 39, 39 दुनिया 78 होता है, 39 में अब एक जोड़ देंगे तो कितना आया 4096। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है। ये तो बात रही कि 100 का बेस, मान लिया हमने नंबर लिया कोई 206 का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 200 से है ना। अब देखो मेरी बात सुनो, 206 में क्या जोड़ेंगे 6, 206 में क्या जोड़ेंगे 6, जैसे ही आपने 206 में 6 जोड़ा तो कितना आया 212, लेकिन जो 200 जो है वो 100 से कितना गुना है 2 गुना है, तो आप इसका भी क्या करेंगे 2 गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 424, तो जवाब क्या है 424 36, तो 206 का स्क्वायर कितना आया 424 36। कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे हमने नंबर लिया 196, 200 से कितना कम है 4, तो 4 का 196 जो है वो 200 से कितना कम है 4, ठीक है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो आपने लिखा 16। अब 196 में से 4 पहले घटाएंगे, 196 में से 4 गया कितना है 192, अब 192 नहीं लिखेंगे यहां पे, 192 का 2 गुना लिखेंगे, 192 का 2 गुना कितना हो जाएगा बताओ 384। आप एकदम से कैसे बोल सकते हैं, देखो आपको पता है 19 दुनी 38, 2 दुनी 4, तो कुछ टेबल्स आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है वो याद होनी ही होनी चाहिए, तभी आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। ऐसे नहीं है कि कुछ भी आप थोड़ा बहुत सीख लेंगे उससे कैलकुलेशन स्ट्रांग हो जाएगी, आपको बेसिक कंसेप्ट से लेकर उसको स्ट्रांग करते जाना है, तब आप मैथमेटिक्स में स्ट्रांग हो सकते हैं। अच्छा जी तो ये कितना हुआ 384, तो 196 का स्क्वायर कितना आया 384 16। तो ऐसे करके आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब बात आ जाएगी भाई 1024, इसका स्क्वायर बताओ, इसका कैसे बताएं, अब बेस हजार ले लो, अब की बार बेस हजार ले लेंगे, बेस हजार लेंगे तो जब भी हम स्क्वायर करेंगे तो उसकी डिजिट 3 तक रखेंगे, तो हजार से कितना ज्यादा है 24 ज्यादा है, और 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। अब की बार में 5 को हासिल में नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि अब की बार बेस क्या है 1000, और 1000 में कितनी जीरो होती है 0, तो हमने लिखा 576, और ये 1000 से ज्यादा है तो 1024 में 24 जोड़ देंगे, तो 1024 में जैसे ही मैंने 24 जोड़ा तो कितना आया 1048, तो 1024 का स्क्वायर कितना आया 1048 576। कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, हमने लिया 1016 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, आपने लिखा 256 एज इट इज, और 1016 में 16 जोड़ दो कितना हो जाएगा 1032। तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत आसानी से बता सकते हैं, बशर्ते आपने इन चीजों पे प्रैक्टिस करी हो, आप इन पे प्रैक्टिस करिए, जहां कहीं भी आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे हमें बताइए, अपने समय का बहुत अच्छे ढंग से सदुपयोग करिए, क्योंकि यही वो समय है जिसमें आप बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं।
अपने ब्रेन अपने दिमाग को बहुत बढ़िया बना सकते हैं। समय को खराब ना करें, अच्छे ढंग से सदुपयोग करें। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, आपका जो भी डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में डालें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।